हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सेंचर के इंटरव्यू के बारे में। सो एक्सेंचर के अभी काफी सारे इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जा रहे हैं एंड मोस्टली बच्चों का ये पूछना है कि तो भैया आखिर इंटरव्यूज जा कैसे रहे हैं, मतलब कॉमन चीजें क्या हैं, एक्सेंचर आखिर इंटरव्यूज में पूछ क्या रही है। सो देखो, मेन चीज ये है कि अगर आप एक्सेंचर को उठाओगे, 80% ऑफ टाइम एक्सेंचर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, 20% वो लोग थोड़ा सा टेक्निकल में चले जाते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखो, मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सेंचर इंटरव्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप बिहेवियर क्वेश्चन पे फोकस करो, बिकॉज 80% ऑफ टाइम्स एक्सेंचर का जो इंटरव्यू होता है वो बिहेवियर क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पर लाए करता है, जिसमें आपसे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ वॉट इज बिहेवियर क्वेश्चन? बिहेवियर क्वेश्चन मतलब जनरल बिहेवियर, या आप कैसे बिहेव करते हो। सेकेंड थिंग इज योर अबाउट योर सेल्फ भी इसी में आ जाता है, मतलब आपके बारे में क्वेश्चन। एंड तीसरी चीज आती है इसमें, एचआर क्वेश्चंस, जो इसी का पार्ट होते हैं, दैट मींस बिहेवियर क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर क्वेश्चन, पहले आपको ये समझना जरूरी पड़ेगा कि बिहेवियर क्वेश्चंस की किस कैटेगरी में हमको जाना चाहिए और टेक्निकल साइड में हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए। सो देखो, जब मैं एक्सेंचर के इंटरव्यूज को स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो जनरली जो फ्लो रहता है वो ऐसा होता है कि इंटरव्यू विल आस्क अबाउट योर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपसे वो इंट्रोडक्शन पूछेगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद जनरली डायरेक्टली जो इंटरव्यूअर्स हैं वो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और काफी सारे इंटरव्यूज में ऐसा हो रहा है कि वो डायरेक्टली आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, लाइक एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन आपने अपने कैरियर में किया है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या एक्स्ट्रा आपने कोई स्किल सीखी है तो उसके बारे में बताओ। तो मतलब जनरली प्रोजेक्ट्स वगैरह के अराउंड पे जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो जब आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें वो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है, क्या क्रिएट किया है, क्या स्किल्स यूज करिए, वो सब आप एक्सप्लेन कर दो। एंड देन उसके बाद ये पूछते हैं, मतलब जो उनके कॉमन क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था या टीम प्रोजेक्ट था, आपको आपके प्रोजेक्ट में चैलेंजेस क्या है, जो आपने टेक स्टैक यूज किया वो क्यों यूज किया, एडवांटेज क्या थे उस टेक स्टैक के। सो मतलब अराउंड उसके जो प्रोजेक्ट के अराउंड है वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसके रियल रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया ये प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट आपने क्यों किया। तो प्रोजेक्ट्स के अराउंड इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज जनरली इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आस्क यू बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियर क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक्सेंचर यहाँ पर पूछ रही है, व्हाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन एक्सेंचर, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जो आपके लाइफ में काफी ज्यादा हार्ड रही हो। और ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये बिहेवियर क्वेश्चंस के कैटेगरी में जाते हैं। और अगर आपका कोई टीममेट काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे बनाओगे, डेडलाइंस को कैसे फॉलो करोगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर आपको दूसरी कंपनी से ऑफर मिलता है तो आप उसको ज्वाइन करोगे या एक्सेंचर को ज्वाइन करोगे, आप एक्सेंचर के बारे में क्या जानते हो और एक्सेंचर ही आपको क्यों ज्वाइन करनी है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, आप नाइट शिफ्ट पे कंफर्टेबल हो कि नहीं, ये सारे बिहेवियर क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। सो अगर आपका यहाँ पर इंटरव्यू आ रहा है एक्सेंचर का, आपको कुछ चीजें मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो कि हाँ आपके बारे में आपको सारी चीजें पता है, वो आपने प्रिपेयर कर ली, ठीक है। दूसरा, आपने सीवी में जो भी मेंशन कर रखा है, लाइक योर प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन या जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपने कोई वर्क कर रखा है, उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, लाइक उसके चैलेंजेस क्या थे, हार्ड टाइम क्या थे, कैसे कब आपने कवर किया, वो सारी चीजें आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, बिहेवियर क्वेश्चंस काफी सारे प्रिपेयर कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना, कि लाइक बिहेवियर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कोई एग्जांपल, लाइक सपोज दे आस्क्ड यू, अच्छा टेल मी थ्री बेस्ट क्वालिटीज अबाउट यू, ठीक है। सो आप अपने बारे में कोई तीन बेस्ट क्वालिटीज बताओ, तो आप सपोज यू आर सेइंग दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सो यू नीड टू एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाई हार्ड वर्क इज योर बेस्ट क्वालिटी। यू कैन टेल अबाउट एनी योर लाइफ एक्सपीरियंस, एनी एग्जाम्पल वेयर यू हैव इम्प्लीमेंटेड योर हार्ड वर्क एंड यू कन्वर्टेड द रिजल्ट इन टू योर फेवर। तो आप किसी भी उस चीज के बारे में बात कर सकते हो वेयर यू इम्प्लीमेंटेड दैट थिंग, ओके। सो सपोज यू आर टेलिंग योर क्वालिटीज, योर बेस्ट क्वालिटीज, और यू आर टेलिंग अबाउट योर वीकनेस, मेक श्योर यू आर एक्सप्लेनिंग दैम विथ सम एग्जाम्पल, ओके। सो एटलीस्ट एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लेना अराउंड योर लाइफ, अराउंड द सिचुएशन, सो यू कैन एक्जैक्टली टेल दैम एग्जाम्पल के साथ, बिकॉज बेसिकली उन क्वेश्चंस का आंसर तो हर कोई दे देगा। अब कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि आपकी लाइफ का टफ फेस क्या था, तो उसको पता है कि उस बंदे को तो पता ही होगा ना इसका आंसर। वो एक्चुअली में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। सो इसलिए एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर, ठीक है। सो ये आपको प्रिपेयर करना है। अगर टेक्निकल में जा रहे हो तो दो चीजें प्रिपेयर करके जाना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
और एसक्यूएल, इतना जरूर प्रिपेयर करके जाना, इतना आपको टेक्निकल में पता होना चाहिए। एंड आई थिंक इट वुड बी इनफ फॉर एक्सेंचर इंटरव्यू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपको पता पड़ा होगा कैसे आपको प्रिपरेशन रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।